जो नीति आयोग और हमारी अन्य जो बैठकें होती हैं उन सब बैठकों में मैंने इसको अपनी तरफ से भी रखा है, अन्य राज्यों को भी प्रस्ताव है और मैंने अनुरोध किया है कि इस पर जरूर हम लोगों को वो किया जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ की एक चीज़ है जो इसका मैं उल्लेख करता हूँ और आप सबके सामने भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमारी 1,25,00,000 है जय सिंह जी भाई साहब, और हमको जो है हर साल यहाँ पर 6 करोड़ से भी ज़्यादा जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि केवल हमारी इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर, उसको भी ध्यान में रखकर हमारे लिए और राज्य और दूसरे जो प्रदेश हैं उन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए कि सभी के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, एक प्रकार की जो वहाँ से जो चलने वाली स्कीमें हैं उसको निश्चित रूप से वहाँ की स्थितियों के अनुसार उसको उतारना चाहिए। मैं पहले अनुरोध कर चुका हूँ। नहीं, इसको लेकर क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में और एक बड़ी चीज़ ये आई है कि इस समय जो जंगली जानवर हैं, हमारे बंदर हैं, उनके कारण से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हमने अलग से अभी धनराशि का प्रावधान किया है और हमारी पिछले दिनों वन विभाग वालों का जो वन सप्ताह हुआ था और हमारा जो यहाँ कार्यक्रम चला था मसूरी में 3 दिन का चिंतन चला था, उस पर हम लोगों ने इस पर विशेष रूप से फोकस किया है कि कैसे इस समस्या से सब लोग मिलकर कैसे उभरे कि हमारे किसानों को जो है जो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से लोग आज उन पुराने जो परंपरागत रूप से करी जाने वाली कृषि है जिसमें मोटा अनाज है उससे दूर हो रहे हैं। एक हम डिजास्टर सेंसिटिव स्टेट है, तो सीएम साहब आपने इस मामले में कोई एस्पिरेशन किया था कि नहीं हम लोग कुछ मिले, क्योंकि डिजास्टर लगातार है यहाँ हम लोगों क्या होता है। दूसरा कनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है और जो ऋषिकेश से आगे जो रेल लाइन बन रहा है उसमें बजट में एलोकेशन नहीं है। नहीं देखिए, ये जो आपदा वाली बात है उस पर भारत सरकार पहले से ही, चूंकि माननीय गृह मंत्री जी से मैं जब भी पिछले दिनों मिला था तो उन्होंने हमको कहा है कि जल्दी ही यहाँ पर आपदा के लिए एक अनुसंधान का जो केंद्र है उस केंद्र को यहाँ खोलने के लिए एक तरह से उनकी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हमको मिल गई है, निकट भविष्य में उस पर काम होगा। उसको मैंने पिछले दिनों बोला है, जब से जोशीमठ में जो हमारे यहाँ पर जो दरारें आई थी और उसके बाद कि हमारे जितने भी शहर हैं ये जो पहाड़ों पर इस प्रकार से हिमालय रीजन में बने हुए हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, अगर वो पूरी हो गई है, धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई है तो हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा है साथ साथ कि उत्तराखंड के अंदर जितना भी जो भी विकास है वो विकास हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय करते हुए, दोनों का संतुलन बनाते हुए और किस गति से करना है उस सब पर काम चल रहा है, क्योंकि अभी 7-8 भारत सरकार के और अन्य हमारे सभी संस्थान मिलाकर 8 संस्थान वहाँ पर अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, अपना अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उस रिपोर्ट के बाद जो है हम आगे उसको बढ़ाएंगे। आज बजट पर बताइए थोड़ा। मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहूंगा नहीं उस पर, चूंकि तेज करने के लिए हम लोगों ने कहा है लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है, अगर हम रिपोर्ट कहें उनसे कि जल्दी बना दीजिए कहीं गड़बड़ रिपोर्ट आ गई तो फिर आप ही लोग प्रश्न उठाएंगे हमसे। सर एक सवाल मेरा है सर, मसूरी में एनजीटी एनजीटी स्टडी करवा रही है कि मसूरी में जो डैरी कैपेसिटी है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए कमेटी बनाई है, चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे, उस तरीके से क्या बाकी शहरों में आप भी इनिशिएटिव लेंगे कि बाकी शहरों में भी डैरी कैपेसिटी है वो मसूरी के तरफ, और उसका बजट एलोकेशन कैसे होगा, क्या केंद्र से मदद मांगी जाएगी या सरकार पे भार पड़ेगा?
नहीं, देखिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अलग अलग नहीं है। हमको जहाँ पर भी अगर ऐसे कामों के लिए केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम केंद्र से मदद की बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जब 15वें हो गया, मुख्यमंत्री जी मैं ये जानना चाहूँगा 15वें के सामने ये ग्रीन बना समझता भी बहुत उछला था, उस पर राज्य ने पहले की तो हमें कुछ फायदे मिले थे। एक तो उसमें जो करों में जो डिवोल्यूशन है उसमें जो केंद्रीय करों में वृद्धि के रूप में हमारे सामने आ गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो योजना है उसमें भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ाई गई थी, उसके पीछे भी उन्होंने वही तर्क दिया था। और साथ साथ में जो है आपदा के मद्देनजर मैं ये जानना चाहूँगा कि PMGSY का जो पैसा है वो हम उस किस तरीके से हम उसका सदुपयोग अधिक कर पाए, क्योंकि जितना पैसा सर मुझे जो मेरी जानकारी है वो काफ़ी अभी बचा हुआ नहीं बचा नहीं है। देखिए ऐसा है कि थोड़ा हमारे सामने जो भौगोलिक दिक्कतें हैं वह भी हैं हमारे सामने, और उसमें हम लोगों ने जो भारत सरकार को अनुरोध किया था पिछले दिनों कि हमारा इसमें अंश बढ़ाया जाए, हमको और ज़्यादा सहायता दी जाए, तो उनका ये था कि थोड़ा हमारे यहाँ से भी चीज़ें थोड़ा जल्दी हों। उसके लिए चूँकि एक विभाग नहीं होता, कई सारे विभागों में आपको पता ही है सड़क बनाने में कई सारे विभागों की NOC होती है, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं जो व्यवहारिक रूप से काम करने पर आती हैं, उसका समाधान हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमको उसको भी लाभ मिलेगा। नहीं ठीक है, आपने बताया है मुझे तो हम लोग इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे कि अगर ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये कौशल विकास का विभाग शुरू हुआ है, और पिछले दिनों हम लोगों ने इसमें कुछ प्रावधान भी किए हैं, और अभी आगे और अच्छा चले जो कौशल विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड में भी सबसे अच्छा हो। सर एक सवाल है, बजट को लेकर बीजेपी शासित राज्य बेहद टाइट है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बजट में ना तो रोजगार के लिए कुछ है और ना ही कम महंगाई कैसे कम हो, इसको लेकर के भी कोई जवाब नहीं है। अभी उनकी यात्रा चल रही है, अभी यात्रा से आ जाएंगे तो फिर वो जो है उसके बाद नहीं, अब वो यात्रा उनकी अभी अभी उन्होंने अपनी फिटनेस करी है, थोड़ा उनको आगे तक काम करना है, लंबा संघर्ष करना है, इसलिए रोजगार अभी ढूंढना ही पड़ेगा। Thank you.